के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए और अपना इस पदाधिकारी होते हैं उनके सामने राष्ट्रीय नहीं लगाया जाता है अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर अपवादन जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच अभी हमारे एक वक्ता पुरुषोत्तम अग्रवाल जी नहीं आए हैं और किसी कारणवश से उनके घर में प्रोफेसर अमित कुमार के यहाँ कोई ऐसी घटना घट गई है कि यहाँ किसी की डेथ हो गई है तो वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हम अपने वक्ताओं के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो उसकी शुरुआत का कड़ी यही है कि संदीप डॉक्टर संदीप पांडे ने जो किताब लिखी है कि मुझे क्यों मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया, तो इस पुस्तक को पुस्तक की जो विस्तृत जो एक तरह से चर्चा है या उसका विवरण है उसकी व्याख्या हमारी वक्तागण करेंगे। इस पुस्तक को तो हमने भी नहीं पढ़ा है लेकिन ये चीज है कि जब संदीप भैया को वहां पे यह कहकर के दलीलें देकर के निकाला गया था या उनका जो समय सीमा था समाप्त किया गया था जो वहां के कुलपति थे उनके द्वारा कि वो नक्सलियों से संबंध रखते हैं, मतलब नक्सली एक तरह से कहा गया, और उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है पठन पाठन का वो बहुत देश विरोधी गतिविधि टाइप से है, यह सब दलीलें दे करके उनको निकाला गया। जबकि यह सीधा सीधा समझ हर एक जनता जो आम जनता है वो भी समझ सकती है कि एक गांधीवादी कैसे नक्सली हो सकता है, एक गांधीवादी एक समाजवादी या एक मार्क्सवादी किस तरीके से जो है देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हो सकता है। लेकिन सरकार जब से सत्ता में आई थी 2014 के बाद वो लगातार ऐसे प्रगतिशील लोगों पे शैक्षणिक संस्थानों पे और इस तरह की सोच रखने वाले चाहे वो छात्र हो चाहे शिक्षक हो जो एक तरह से समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे थे उनको किसी न किसी तरह से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला, उनके कार्य प्रणाली पे हमला और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार की गई। आप देखिए कि किस तरह से रोहित वेमुला की हत्या हुई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप देखिए किस तरह जेएनयू पे हमला हुआ, छात्रों को देशद्रोही बताया गया। उसी तरह आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए कि जीना का मामला उठा दिया गया कि वहां पे जो छात्र संघ का जो ऑफिस है उसमें उनकी तस्वीर का क्या मतलब है, मतलब उससे कुछ नहीं था, चुनाव से था सत्ता से था और उनकी सिर्फ कुर्सी से मतलब था, सवाल उसका नहीं था कि वहां पे जीना की तस्वीर है कि नहीं। यानी पूरे देश में एक तरह से ट्रेंड ये बनाया गया कि देशभक्ति बनाम देशद्रोही, इस तरह का ट्रेंड चलाया गया कि जो लोग हमारे विचार को हमारी विचारधारा को नहीं मानते हैं, यानी जो भगवाकरण की राजनीति को नहीं मानते हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को बल देने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग देशद्रोही हैं, और बाकी जो लोग जो है जो संविधान की हत्या करे या सामाजिक न्याय पे हमला करे या इस तरह जो सोचने समझने वाले लोग हैं जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान देते हैं वो सारे लोग उनकी दृष्टि में देशद्रोही हो जाते हैं। इस तरह का पूरा एक तरह से 5 सालों में इस तरह के तरकीब अपनाई सरकार और लगातार जो है विश्वविद्यालयों पे हमला शिक्षकों पे और तमाम एक्टिविस्टों पे भी हुआ। अभी भी देखिए कि कितने हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता अभी जेल में है। अब इस तरह से लगातार जो है किस तरह से जो है चाहे वो ऊना आंदोलन से लेके तमाम चीजें हुई हमारे बीच आया, इसमें हम बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे। बस बात यह है कि सरकार जब से आई सत्ता में तब से अगर कोई बहुत प्रगतिशील सोच रखता है और संदीप भैया ये पुस्तक लिखी इससे पहले जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वहां पे छात्र बहुत संख्या में बहुतायत संख्या में इनके विचार से प्रभावित हो रहे थे, इनके साथ कार्यक्रम में और इनका नेतृत्व को मान रहे थे और जुड़ रहे थे, क्योंकि बात यह था कि जब उससे पहले कोको कोला कंपनी के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन छेड़ा उसमें जेल भी गए
तो इसकी वजह से बहुत प्रभावित थे बनारस के लिए थे, बहुत ज्यादा लोग इनको जान चुके थे, छात्र भी प्रभावित थे, छात्र भी जुड़ रहे थे, और इनका यही कोशिश था कि छात्र जो है सही मायने में जो है जो सामाजिक मुद्दे हैं जो सही और सच है उसको जाने। इस दिशा में इनका शुरू से, चाहे वो IIT कानपुर में भी प्रोफेसर थे तो भी वहां भी इनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था कि एग्जाम कैसे लेना है, मार्क्स कैसे देना है, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या सिखाना है, इनका बहुत तरीका अलग था, प्रगतिशील तरीका था। ये नहीं था कि एग्जाम ही वो पैमाना होगा मार्क्स का, ऐसा नहीं था। जो हमारी सोचने समझने या जो हमारी विद्वता का एक प्रमाण है वो ऐसा नहीं कि एग्जाम ही तय कर देगा। तो इनके बहुत तरीका शुरू से बहुत अलग था। वैसे में जब इंडिया डॉटर से ये डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया बीचू में, तो वहां के कुलपति, जाहिर सी बात है, वहां के प्रशासन को ये खलने लगा कि अरे ये तो सच सामने आएगा, युवा और तमाम लोग, इनका तो बहुत प्रभाव है बनारस में और इस विश्वविद्यालय के भीतर भी, और ये एक गांधीवादी है, समाजवादी है, तो ये एक संवेदनशील व्यक्ति है, इनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा छात्रों पे और इसलिए वो इकट्ठा होंगे, तो प्रशासन के खिलाफ भी वो जाएंगे जब धरने पे, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे हाथ से खिसकते जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि छात्र बोले नहीं, आंदोलन करे नहीं, मनमानी चाहे वो जो भी अपना चाहते हैं लागू करना थोपना छात्रों पे, वो चाहे फ्री स्ट्रक्चर तमाम चीजें, तो उसके खिलाफ छात्र जब इकट्ठित नहीं होंगे तो हमारे हमारी मनमानी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे में एक प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में है जो इस तरह की बातें करता है, छात्रों को जागरूक कर रहा है और अच्छी बातों के प्रति अवेयर कर रहा है, तो वो प्रशासन को अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से प्रशासन ने तत्काल जो है इन सारी चीजों को देखते हुए इनको जो है वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसी सिलसिले में आज हमारे जो भी वक्ता गणे इस पे काफी अपनी विस्तृत एक तरह से अपना विवरण रखेंगे कि पुस्तक में जो इन्होंने लिखा है संदीप भैया ने कि आखिर क्यों मुझे जो है काशीपुर विश्वविद्यालय से निकाला गया, तो उसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ एक सेकेंड, इमोशन का पुस्तक, हाँ ठीक है, हाँ मैं आमंत्रित करती हूँ सतपाल जी, आप आप तो दी जाएगी, ये आप करेंगे विमोचन, थोड़ा रैप करके लानी चाहिए। सतपाल जी के कर कमलों से इस पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है और हम लोग सब उसके गवाह हैं। अब कोई बैठने की काम नहीं है, कार्यक्रम की शुरुआत की कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बेन सिंह जी को, जो इस पुस्तक के बारे में अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर बेन सिंह, पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और लोकार्पण के अवसर पे सबसे पहले औपचारिक रूप से लेखक को बधाई दी जाती है, तो हम सभी की तरफ से जो इधर बैठे हैं और उधर बैठे हैं संदीप जी को इस पुस्तक को प्रकाश में लाने के लिए पुस्तक दरअसल अकेले उनकी नहीं है। जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह जो निष्कासन की घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश के लोगों ने जो अपनी टिप्पणियाँ
उसके बारे में की थी और जो अपना विरोध भी दर्ज किया था वो सब बातें इसमें आई। तो उन सबको समेट करके संदीप जी ने इसे पुस्तक का प्रकाशित करके हम लोगों के सामने रख दिया है। और इस मायने में यह किताब हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में जो संकीर्णता का माहौल है उस पर एक बहस का अवसर प्रदान करती है। मैंने इसका छोटा सा प्राक्कथन भी लिखा है। बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई थी कि पुस्तक को आद्यांत पढ़ा मैंने पीडीएफ में। तो मुझे ये लगा कि ये एक जरूरी बात थी कि निष्कासन की घटना से जोड़ करके हमारे उच्च शिक्षा शोध के केंद्रों में जो एक कहेंगे संकीर्णता का तो है ही है, जो एक गैर जिम्मेदारी लापरवाही का माहौल है, मतलब उस स्तर पर मैं कह रहा हूँ जहाँ वाइस चांसलर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं। वाइस चांसलर तो ज्यादातर प्रोफेसर ही होते हैं, किसी विषय से जुड़े हुए होते हैं और काफी उनका लंबा अनुभव भी होता है। रजिस्ट्रार श्रेणी के लोग भी कई बार अध्यापन से ही होते हैं, अगर वो प्रशासन से भी है तो वे उच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। और उनसे जिस तरह की अपेक्षा बनती है कि शिक्षण संस्थानों का जो प्रावधान है हमारे देश में उसके जो नियम कायदे हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी गंभीरता से लिया जाए, समझा जाए, ऐसी अपेक्षा उन लोगों से बनती है। इस घटना ने यह बताया कि बीएचयू में चाहे वो सीधे बीएचयू से जुड़े हुए लोग हैं उसके प्रशासन से और जो आईआईटी जिसमें संदीप जी अपना अध्यापन कर रहे थे उससे जुड़े हुए लोग हैं उसका जो बोर्ड है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी या समझदारी का परिचय नहीं दिया। पर इस बात को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब आरएसएस समर्थित कोई सरकार होगी और फिर उस आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा तो वह ऐसा ही आचरण करेगा। तो ये एक सबक आरएसएस वालों के लिए भी है कि वे अपने में सुधार करें। संदीप जी का इस दौरान जो सारा निजी अनुभव रहा, एक तरह से नौकरी तो उनकी वैसे भी पार्ट टाइम थी और कोई उन्हें वहां लगातार पढ़ाते रहना भी नहीं था। वह नौकरी ज्वाइन करने से पहले भी वो अपना काम चलाते ही थे, उसके बाद भी काम चला ही रहे। लेकिन जिन्होंने ये फैसला किया उन्होंने बहुत गढ़ के कुछ आरोप लगाए। उनका जवाब देना बहुत जरूरी था और वही शायद प्रक्रिया संदीप जी को कोर्ट तक लेकर के गई। केवल निष्कासन कर दिया, वो कोई परमानेंट नौकरी थी भी नहीं, और परमानेंट नौकरी इन्हें करनी होती तो पहले से ही करते रहते हम लोगों की तरह। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि अंततः कोर्ट से जाकर के वे सारे आरोप खारिज हुए।
चाहे वो राष्ट्र विरोध का आरोप था, चाहे जो नक्सलवाद की विचारधारा और संगठनों से जुड़े होने का आरोप था, और चाहे पाठ्यक्रम को नए ढंग से पढ़ाने का समझाने का आरोप था, ये सारे के सारे आरोप निरस्त हुए और कोर्ट ने तो उनकी पुनर्बहाली का भी आदेश दिया। हालांकि वो उन्होंने किया नहीं और उस पर बहुत इंसिस्ट संदीप जी ने भी फिर किया नहीं, मुझे लगता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, ये सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक कार्यकर्ता है, यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए लोग भी हैं, हम तीन लोग तो हैं, ये एक ओवरऑल संकट है। तो हमने समझ लिया कि अगर भाजपा आरएसएस की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो उस तरह का करती है, और जब आगे आएगी तो आगे भी करेगी, लेकिन अन्य सरकारों के समय में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी रहती नहीं। मैं अपने ही विश्वविद्यालय के दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब ये सरकार ने कि किस तरह से जेएनयू का नंबर तो उन लोगों के आने के बाद आया, लेकिन डीयू की पूरी अध्यापन और परीक्षा प्रणाली की बर्बादी पहले ही की जा चुकी थी। जिस तरह से वहां पहले पीजी में सेमेस्टर थोपा गया और फिर यूजी में सेमेस्टर थोपा गया, यानी साल में दो दो बार परीक्षाएं बिना अतिरिक्त भर्तियों के, बिना अतिरिक्त प्रशासनिक स्टाफ, और उसी में फिर आनन फानन में कुछ ही महीनों में ये के एफ आई यू भी कहते हैं, चार साल का बीए करने का निर्णय होता है। अब इसमें जो भी सारा मामला रहा, इन दो मामलों ने डीयू का जो एक एस्टेब्लिश्ड तरीका था पढ़ाने का, परीक्षा लेने का, और परीक्षा छात्रों ने दिए हैं उनका मूल्यांकन करने का, वो मैं कुछ डिपार्टमेंट्स की बात तो नहीं कहूंगा, जो बहुत छोटे डिपार्टमेंट, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे सोशियोलॉजी है, इस तरह के डिपार्टमेंट, लेकिन डीयू में तो 125 करीब कॉलेज है और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है फैकल्टी, जैसे हम ही 1000 एमए के विद्यार्थियों को कैटर करते हैं एक सत्र, वो सारा का सारा बिल्कुल बिना सोचे समझे पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ प्रश्न कर दिया। जहां तक उसका सवाल है कि ये सरकार पाठ्यक्रमों के साथ भी, रीडिंग मटेरियल के साथ भी मन छेड़छाड़ करती है, थोपती है, तो ये कोई बहुत नई बात शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं। डीयू में ही वो जो 300 रामायण वाला चैप्टर है रामायण का, वो इस सरकार के पहले ही बाकायदा इसी में सारे प्रोफेसर और वाइस चांसलर की मौजूदगी में हटाया गया। और भी दुनिया भर की उस तरह की घटनाएं कि इस विषय पे नहीं बोलने दिया जाएगा, है उस विषय को छो रहा है तो वहां जाकर के धक्का मुक्की करेंगे, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है उसका जो तरीका है उसका विरोध तो हम करते ही है, लेकिन उच्च शिक्षा में जो एक गड़बड़ी हो गई है, अन्य सरकारों के चलते भी जो रहती है, उस पर भी हम ध्यान दें, तो उसके लिए भी ये पुस्तक हमें एक गाइडलाइन का काम कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब। और उसे मैं तो सीधे सीधे जोड़ करके देखता हूँ कि जब से नव उदारवाद की नीतियां हम लोगों ने
पहले आर्थिक क्षेत्र में शुरू करी, फिर उसने हमारी राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था जब उसकी चपेट में आ गए तो फिर सामाजिकता और उसे संस्कृति या धर्म या भाषा का सवाल कहते वो भी उसकी चपेट में आ गए और शिक्षा भी उसकी चपेट में आ चुकी। तो अगर हमें अपने शिक्षण संस्थानों को जिस नजरिए से उन्हें बनाया गया था, खड़ा किया गया था, उस धुरी पर वापस लौटाना है तो वह बिना नव उदारवादी नीतियों को अमान्य किए नहीं हो सकता। तो एक शिक्षक के नाते मेरी तो बिल्कुल पुख्ता राय है, बीच बीच में हम कुछ प्रयास करते रह सकते हैं, कुछ चीजें करते रह सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता किसी भी हालत, क्योंकि नवउदारवादी नीतियों ने एक काम करने की शैली भी विकसित कर दी कि जो कुछ करना वन गो में करना है। कपिल सिब्बल को अचानक लगा कि 4 साल का बीए का प्रोग्राम होना चाहिए और उसने फरमान जारी कर दिया कि इतने दिनों के अंदर इतने सारे विभाग अपना पाठ्यक्रम तैयार करें, उसे बनाएं और जमा करें। मतलब तो उन्हीं दिनों हिंदू में एक न्यूज स्टोरी आई थी कि यूएस में जब इस तरह की कोई प्लानिंग हुई थी तो 9 साल का टाइम उन्होंने दिया। लोग मनमोहन सिंह के पास गए, ये चुपी साहब उनके साथ थे और कई बड़े विद्वान जिनमें रोमी थापर भी थी, उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो डीयू की ऑटोनॉमी है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब आपका मंत्री जो है वो आदेश जारी कर रहा है कि आपको ये करना है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये तो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है। तो जब हम इन सारी धारणाओं और धारणाओं के साथ इस तरह से लिबर्टी लेना शुरू कर देते हैं तो फिर दूसरे पाले के लोग भी उससे दो कदम और आगे चले जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। और फिर हम उस फर्क को नापने लगते हैं। आज देश का इंटेलिजेंसिया इस सारे अनुभव से गुजरने के बाद उस फर्क को नाप रहा है। फर्क नापने के लिए छोड़ गए हम लोग तो इसलिए है कि फर्क ना पड़े। फर्क किससे ना पड़े, कि जो हमारी संवैधानिक मान्यता है शिक्षण संस्थानों के बारे में, तो रुपए हमें लौटा करके लाना है सारे कुछ को। लेकिन हम लोग जो है कभी सीसीटीवी कैमरे लगा दो जी, ठंडे लगा दो कॉलेजों स्कूलों में, इमारतों को बहुत अच्छा बनवा दो और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया है, जबकि हम कॉलेज में लोगों के जाने का आंकड़ा भी जानते हैं, स्कूलों में ड्रॉप आउट का आंकड़ा भी जानते हैं, सारी चीजें हम लोग जानते हैं। शिक्षा के माध्यम का सवाल आज तक हम लोगों के सामने खड़ा है और हम उसे रिजॉल्व नहीं करना चाहते किसी भी। अनिल सदगोपाल दिन रात सारे देश में घूमते हैं और दुनिया के सारे विद्वानों ने कह दिया है कि कम से कम स्कूली शिक्षा और उसमें भी कम से कम प्राथमिक शिक्षा अगर मातृभाषाओं में नहीं होगी तो हम अपने बच्चों के साथ उनकी प्रतिभा उनकी सीखने की क्षमता के साथ न्याय नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी रिजॉल्व नहीं करना चाहते, हम फर्क नापने में लगे हुए हैं। हालांकि हमारे ही पड़ोसी देशों में उच्च शिक्षा तक सारे विषयों को अपनी भाषाओं में करके और अपनी जनरेशन को पढ़ा दिया और वो सामने जापान का है, चाइना का है, कोरिया का, सबका उदाहरण हम लोगों के सामने। यूरोप में मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए किसी भी सिलसिले में, तो कहीं देखा ही नहीं कि यूके और यूएस के बाहर कोई क्लास के भीतर अंग्रेजी की कोई बात होता हो। लेकिन हम अगर अंग्रेजी पर सवाल उठाएंगे तो उसे अंग्रेजी वर्सेस हिंदी बना दिया जाएगा, हिंदी वर्सेस भारतीय भाषाएं बना दिया जाएगा।
क्योंकि अगर हम मातृभाषा में शिक्षा का और उसे उच्च शिक्षा तक ले जाने का वो करेंगे तो हमारे बहुत काम पैदा हो जाएगा, काम को हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो काम तो हमें ही करना है ना। फिर जैसे सारी पाठ्य पुस्तकें सोशल साइंसेज की, ह्यूमैनिटीज की, नेचुरल साइंसेज की, टेक्नोलॉजी की भी, वो कैसे हमें तैयार करनी है वो काम हम करना नहीं चाहेंगे। तरह तरह के कोर्स तैयार करने पड़ेंगे, सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये बात थोड़ा इसीलिए कही है कि ये पुस्तक आई है और इस तरह से हमने शिक्षण संस्थानों में जो हस्तक्षेप का मामला देखा है, इससे सबक लेते हुए हम खुद ही जो यहाँ उसमें काम करने वाले लोग हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अपने बच्चों के नाते हर नागरिक शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, तो मैं खुद ही उसकी एक पुख्ता इंतजाम उसका भीतर से उसकी मरम्मत करें, ताकि डेमोक्रेसी है, राजनीति कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, इसमें दुनिया भर की चीजें होती है, हम देख भी रहे हैं और रोक भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम अपने किले को अंदर से पुख्ता और मजबूत रखेंगे तो, और दिखावे की बातें नहीं करेंगे, कम से कम एक मामले सेना में करते रहे, प्रशासन में करते रहे, बाकी चीजों में करते रहे, महाशक्ति बनते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन शिक्षा के मामले में हम बहुत गंभीरता से बिना दिखावे के, बिना किसी बुलावे के, जब अगर मजबूती से काम नहीं करेंगे तो फिर स्थिति आगे भी और खराब होगी, ये सरकार रहे या ना रहे। इसके साथ मैं फिर संदीप जी को बधाई देता हूँ, कुछ नहीं लेकिन वो उनके दिमाग में कोई बात घूमी होगी और उन्होंने इसे पुस्तकाकार बना दिया, और तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इसे एक बड़े धरातल पर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि जो चल रहा है आरएसएस बीजेपी की प्रताड़ना करने की जो पिट्ठी को पीसने का सिलसिला चल रहा है, तो चल ही रहा है, उसमें क्या है। बोलते हैं
बाहर निकाला है, मैं चाहती हूँ कि लोग पढ़े। और किताब में और भी कई है जो एजुकेशन के अलावा से जुड़े हैं और वो भी काफी है। और राष्ट्रवाद और रोहित दर्रा को लेकर और एक जैसे कि सारे जो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं, एक्चुअली कैसे चल रहे हैं। और क्योंकि हमारी मिडिल क्लास ने पूरी तरह से सेसीड कर दिया है, ऑलरेडी स्कूलिंग में हम देख रहे हैं और अभी यूनिवर्सिटीज में भी देख रहे हैं कि सारे कम से कम यूनिवर्सिटीज, चाहे आप जितने भी पॉश प्राइवेट स्कूल गए हों, पर जब यूनिवर्सिटीज जाते थे तो लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज जाते थे, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT, जो जहाँ भी जाते थे। पर आजकल तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो बहाना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% मार्क्स जरूरी है, पर एक्चुअली बहुत मिडिल क्लास अब सोचते भी नहीं है कि अपने बच्चे को पब्लिक यूनिवर्सिटी भेजा जाए। और एक तरफ से मैं भी नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि एक्चुअली उनका एजुकेशन बहुत बेकार होगा। सॉरी ऐसे कि मतलब हर सेमेस्टर कुछ नया बोला जाता है, हर कुछ मतलब कोई जैसे प्रिंसिपल बोल रहे थे कोई सिस्टमैटिक थिंकिंग नहीं है कि एजुकेशन कैसे होना चाहिए, कैसे बोल रहे हैं कि MCQs होने चाहिए, कभी बोलते कुछ और होना चाहिए, मतलब कोई सिस्टम नहीं। और छोटे छोटे चीज से पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, व्यू में नहीं आना चाहिए, पर इस टाइप के व्यू में नहीं आना चाहिए। और हमको लड़ना चाहिए कि नए टाइप के व्यू में आए जहाँ एक्चुअली पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स भी लिया जाए, टीचर्स भी रेगुलर हो जाए। और संदीप जी जैसे आउट ऑफ द सिस्टम एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनको भी लाया जाए। और जैसे क्लिंटन भी येल में पढ़ा रहा था एक सेमेस्टर के लिए, और इंडस्ट्री से लोग आते हैं, NGO से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आके एक सेमेस्टर के लिए पढ़ा के चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरेक्शन रहे पूरे देश में। और ख़ास तौर मुझे लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसका ज़मीनी स्तर से बहुत कम लेना देना है, हम बहुत ही ज़्यादा बुकिश नॉलेज पढ़ाते हैं और जो देश का जो असली नॉलेज है वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सब किसी को एजुकेशन एक फॉर्मल डिग्री चाहिए और वाइट कॉलर जॉब चाहिए, और जो हमारी इतनी रिच नॉलेज है देश में वो सब खत्म होती जा रही है। उसको किसी तरह एजुकेशन सिस्टम से का से लिंक नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर ये जो सरकार है और पिछले सरकार जो है उनमें बहुत लंबा फर्क रहा। पीछे जब अपूर्वा जी हमारे विभाग में आए थे तो उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र है इसमें, तो मैं अपने वक्ता के रूप में प्रोफेसर आनंद सॉरी प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। ये विकास से दोबारा तो नहीं आ रही है ये सरकार। संदीप पांडे जी जब ये किताब लिख रहे थे तो उन्होंने बताया था कि किताब लिखी जा रही है और अब ये बाहर आ गई है। इस तरह की किताब कम लिखी जाती है। कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी हो सकती है कि संदीप जी दरअसल अपना रोना रो रहे हैं, मुझे क्यों निकाला गया, और अपने लिए सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है नहीं। इस तरह की किताबें क्यों आनी चाहिए? प्रोफेसर सुंदर ने कहा बताया कि विश्वविद्यालय के भीतर का जो जीवन होता है उसका जो आंतरिक जीवन है विश्वविद्यालय के भीतर का उसके बारे में हम लोगों की जानकारी बहुत कम है। हम आमतौर पर यह मानते हैं कि सरकारें विश्वविद्यालय को प्रभावित करती हैं और सरकारों की तरफ से हुक्म आता है और फिर कुलपति
उस हुक्म की तामील करता है। इस रूप में ही हम विश्वविद्यालय के निर्णयों को देखते हैं। इसीलिए इस पर बहस हो सकती है जो प्रेम सिंह जी ने कहा, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि खासकर इस देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो प्रशासनिक उसकी प्रशासनिक संरचना है, अगर हम उसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो बहुत सारे गलत फैसलों पर पहुंचेंगे। उसकी प्रशासनिक संरचना को आप देखें तो कुलपति उसमें सर्वोच्च पद पर है। कुलपति किसके प्रति जवाबदेह है? आमतौर पर हम ये मानते हैं किसी भी संस्था को देखेंगे तो उसमें एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसके प्रति वो जवाबदेह होगा, लेकिन ये विश्वविद्यालयों में जो व्यवस्था है उसमें कार्य परिषद होती है और कार्य परिषद का अध्यक्ष स्वयं कुलपति होता है। तो जाहिर तौर पर कुलपति के किसी भी निर्णय को कार्य परिषद उस पर सवाल उठा ही नहीं सकती, संभव नहीं है। इसलिए यह सवाल सबसे पहले हमारे सामने उठा तो 4 साल का स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम लागू हुआ तो प्रश्न उठा कि कुलपति के निर्णय को लेकर आप कहां जाएंगे। एकमात्र एक जगह है, वह है कुलाध्यक्ष, वह है कुलाधिपति जिसे आप विजिटर कहते हैं। लेकिन विजिटर इतनी दूरी पर बैठता है विश्वविद्यालय से कि उस तक पहुंचना आपके लिए असंभव होगा। और भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर एक ही है, वह है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति यदि इतने सारे विश्वविद्यालयों का विजिटर है और यह माना जाए कि इस प्रशासनिक तंत्र को अगर आप देखें और कहें कि ठीक है कार्य परिषद के पास विजिटर है, यदि आप कानून पढ़ेंगे विश्वविद्यालय तो उनमें लिखा हुआ है कि वह सर्वोच्च है और उसके पास अपील की जा सकती है, लेकिन आपको यह पता है कि आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। ये बात हम लोगों को बहुत कष्ट उठाकर 4 साल के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में मालूम है कि कुलाधिपति तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और अगर आप कुलाधिपति तक पहुंच भी जाएं तो उसका होठ खुलवाना कितना मुश्किल है, यानी कुलाधिपति क्योंकि राष्ट्रपति है उसकी गरिमा इतनी अधिक है कि वो आपके सामने मुस्कुरा भी नहीं सकता है। तो रोमिला ठाकुर बैठी हूँ या सारे लोग बैठे हों, लेकिन कुलाध्यक्ष या राष्ट्रपति खामोश मूर्ति की तरह उनके सामने बैठकर उनका स्वीकार करेंगे, उन पर एक समय एक तरफ विचार भी नहीं करेंगे या उनसे जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो होंठ ही नहीं हिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को मालूम है कि कुलपति जवाबदेह ही नहीं है, एक। और दूसरे, कुलपति को हटाना लगभग नामुमकिन है। अगर यह सरकार सोच भी ले कि कुलपति को हटाया जाना चाहिए तो उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कुलपति हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि यह विश्वविद्यालय एक प्रकार की तानाशाही में चलता है, उसमें कोई भी लोग सिविल सर्विस बोर्ड जो सिविल सर्विस पर जो लागू होते हैं, यह सरकार कोशिश कर रही है कि वही विश्वविद्यालय पर लागू हो जाए अध्यापकों का, लेकिन अब तक अध्यापकों को यह सुविधा प्राप्त नहीं। लेकिन इस सुविधा के प्राप्त होने का क्या अर्थ है कि आप आलोचना कर सकते हैं। और जैसा नंदिनी जी ने बताया कि हमें यह भी सुविधा प्राप्त है कि हम एक बार अगर बहाल हो गए तो हमें निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद यह देखा जाता है कि विश्वविद्यालयों में जो निकाय हैं जैसे एकेडमिक काउंसिल, उस एकेडमिक काउंसिल में शायद ही जो प्रोफेसर्स होते हैं या डीन होते हैं या हेड्स होते हैं जो नामित होते हैं यानी कुलपति के द्वारा, वे जबान नहीं होते, अपराध स्वरूप लोग जबान होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे तो जवान होते हैं, लेकिन जो नामित होते हैं वे बिल्कुल नहीं खोलते। तो आंतरिक जीवन की बात है, इसमें आप किसी और पर आरोप नहीं लगा सकते, ये हमारे भीतर की बात है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमें कोई नहीं निकाल।
डाल सकता और हमें उससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता। अगर आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर से ऊपर शायद जाने की कल्पना किसी प्रोफेसर को नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुलपति बनना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन एकेडमिक काउंसिल में आप अपनी जुबान नहीं खोलते, इसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति जवाब दे नहीं। ये हम सब की बीमारी है और इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि यह आंतरिक जीवन है कैसे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के IIT में संदीप पांडे जी के साथ जो ये घटना हुई, उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि BHU के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोध फैकल्टी की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं देखा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ऐसा अपवाद है जहां एकेडमिक काउंसिल में अध्यापक बोल रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि चूंकि कुलपति सर्वोपरि है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो कुलपति मिनट्स भी बदल सकता है, मिनट्स में गड़बड़ी भी कर सकता है, और जैसा हमारे विश्वविद्यालय में भी हो रहा है कि वह चाहे तो कार्य परिषद की बैठक अनंत काल के लिए स्थगित कर सकता है, लेकिन और जैसा पिछली कुलपति के कार्यकाल में हुआ था कि वो जब चाहे तब कार्य परिषद की बैठक कर सकता है, यानी सुबह वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक करेगा और शाम को कार्य परिषद की बैठक करेगा, और इस तरह दोनों के बीच जो दूरी होनी चाहिए उसको पूरी तरह खत्म कर देगा। यह एक स्थायी चीज है जो अभी मैं सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, हम राज्य के विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वह बिल्कुल ही अलग मसला है। राज्य के विश्वविद्यालय राज्य की सरकारों के मातहत हैं। एक समय तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने स्वयं चांसलर बनेगी जयललिता, तो वहां के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, वहां कुलपति को कभी भी हटाया जा सकता है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो मैं अभी राज्य के विश्वविद्यालयों की बात ही नहीं कर रहा, उसका प्रसंग अलग है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो अभी स्थिति है उस स्थिति पर विचार करने के में दो पक्षों को सामने रखना पड़ेगा, एक जो अभी की सरकार है और अभी की राजनीतिक सत्ता है, और दूसरा जो आंतरिक जीवन है जिसकी चर्चा होनी थी। जो अभी की राजनीतिक सत्ता है उसके बारे में अलग से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उसको आप सारे लोग जानते हैं। अभी 3 कुलपति बहाल किए गए हैं, 1 विश्वविद्यालय के कुलपति जो बहाल किए गए हैं उनके बारे में सुबह सुबह मेरे पास फोन आया कि उनके फेसबुक पेज पर ही उनका उसमें और एक विचारधारात्मक सरकार में प्रकार का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर, और ये प्रकृति का अंतर सिर्फ इसमें और इसमें नहीं है बल्कि वामपंथी सरकार के साथ भी यही चीज है। पश्चिम बंगाल के 33 साल का जो शैक्षणिक अनुभव है वह शैक्षणिक अनुभव लगभग यही है, वहां आप किसी भी प्रकार की असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की बहाली की कल्पना नहीं की जा सकती थी जो सरकार के आलोचक होंगे, स्वयं भी नहीं कल्पना करते। तो एक विचारधारात्मक पार्टी के सरकार में आने के जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वह भी भारतवर्ष में देखे जा सकते हैं। आप कांग्रेस पर 1000 आरोप लगा सकते हैं, भाई भतीजावाद का आरोप, अपने कृपा पात्रों को नौकरी देने का आरोप, लेकिन वो कृपा पात्र दक्षिण की तरफ झुके हुए भी हो सकते थे, वाम की तरफ भी झुके हुए हो सकते थे और बीच के भी हो सकते थे। उसमें यह नहीं था कि वह कुठार चलेगा यदि आप इस विचार के मानने वाले हैं, तो ऐसा कम से कम उस सरकार में नहीं था। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने जो देखा वह मैंने जैसा कहा कि वह कुलपति की स्वेच्छाचारिता का एक नमूना था जो उस वक्त की सरकार के द्वारा इसलिए बर्दाश्त किया गया कि एक ओल्ड बॉयज क्लब जो सेंट स्टीवन्स सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय तक काम कर रहा था और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को जो संरक्षण कर रहा था और पैट्रनाइज कर रहा था। तो मेरी समझ है कि प्रकृति का अंतर है, लेकिन बहुत जवाबदेही आंतरिक जीवन की है हमारी अपनी, जिसमें हम अपना कर्तव्य
आपने इस किताब को लेकर यह मौका दिया है कि हम सब अपने विश्वविद्यालय के आंतरिक जीवन के बारे में, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के उन 5 वर्षों के बारे में लिखे जाने की जरूरत है। मुझे अभी तक ध्यान है कि प्रेम सिंह जी एक धरना पर बैठे थे भूख हड़ताल पर, और कोई भी व्यक्ति इनके भूख हड़ताल पर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसका नाम या उसकी तस्वीर हो सकता है कुर्मी जी कार्यालय में। यह डर उस वक्त था और यह डर इस सरकार में नहीं था, लेकिन उसका सरकार से कोई रिश्ता था मैं नहीं था। यह डर पूरी तरह से कुलपति ने अपने अपने विश्वविद्यालय में पुलिस राज कायम कर दिया, जिसमें जब विरोध प्रदर्शन हो रहा हो तो उसकी वीडियोग्राफी हो रही, अगर एक दिन आपने हड़ताल की तो सैलरी तुरंत कट जाएगी। यह पिछले कुलपति ने यह काम दिल्ली विश्वविद्यालय, एक समय ऐसा आएगा जब उन 5 वर्षों की कहानी भी हम लोग लिखेंगे। साथियों, संदीप भैया ने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और मोदी के कार्यकाल में जितने भी हमले हुए उसपे उन सारे हमलों का जिक्र, कुछ कुछ छोड़ के ट्रिपल तलाक, 10% स्वर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट पोस्टर का, हाँ एक हमारे बीच एक सहारा के फोटोग्राफर साथी आए हैं, इसलिए हमारे साथी एक बार पुस्तक काफी मैं सिर्फ माफी मांग रहा हूँ कि 5:30 बजे से नीचे ऑडिटोरियम में प्रताप भानु मेहता के साथ सार्वजनिक संवाद है। और भी कोई साथी बोलना चाहे तो 1-2 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। बगल में बैठे हुए उनकी तस्वीर देखेंगे, लेकिन वो हिंदू महासभा से भी
इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरएसएस का ऑफिस शुरू से था, उसको जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब उसको तोड़वाया गया, और जिस वाइस चांसलर ने उसको तोड़वाया था उसको बाद में वहां जूतों की माला भी पहनाई, तो इस तरह का भी इतिहास रहा है। और लेकिन मदन मोहन मालवीय ने ये बात कही थी कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इसमें मुस्लिम, ईसाई, पारसी भी रहते हैं, और ये देश तभी मजबूत होगा जब ये सब लोग मिल के थे। ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, मालवीय जी ने ऐसा कहा, और ये हमारे कोर्ट के जजमेंट पे जो न्यायाधीश थे, दो न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको उद्धृत किया मेरे पक्ष में कि भाई एक, और मेरे आरोपों के बारे में तो कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आरएसएस का ऐसा प्रोपेगेंडा है कि वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल को गार्जियन में एक लेख है अरविंद कुमार को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, एक तो अमर्त्या सेन में, लेकिन उसमें वो एक पैराग्राफ मेरे ऊपर भी है कि मैं नक्सलवादी हूँ, तो वो अपना लगातार काम करते रहते हैं दुष्प्रचार का और बदनाम करने का दूसरी विचारधारा के लोगों को। और ये मुझे लगा कि जो कोर्ट का जजमेंट था उसके बाद कम से कम मैं बताऊं कि किस तरह से अपने न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया, और मालवीय जी के कथन को उद्धृत करके उन्होंने ये कहा कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भावना रहनी जरूरी। तो बाकी तो मेरे जो बहुत सारे प्रयोग हैं वो मेरे 2.5 साल बहुत, आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत सक्रिय एक तरीके से रहे, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा था उसके अलावा मैं वहाँ छात्रों के साथ कैंपस में, कैंपस के बाहर, यहाँ तक कि मिर्जापुर और सोनभद्र तक भी मैं काम कर रहा था अवैध खनन वगैरह को लेके। मैं तो पूरी क्लास को ले जाना चाहता था जो मिर्जापुर में अवैध खनन होता है वो दिखाने के लिए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और मैं इस बात के लिए भी अपने जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला पढ़ाने का उनका उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी परीक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया। मेरी हमेशा से ये मान्यता रही है, जो मैंने पहले दिन से जब मैंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाना शुरू किया, शिक्षा और परीक्षा में कोई संबंध नहीं, वो मैंने अपना एक तरीका निकाला है जिसमें हर एक छात्र को चाहे जितने मौके वो लेना चाहे उसको मौके मिलते हैं, और वन टू वन इंटरेक्शन में मैं पता लगाता हूँ समझा और उसी के आधार पर ग्रेड देता हूँ। तो ये वहाँ भी चल रहा था और वहाँ के निदेशक ने भी मुझे कोशिश लगातार भी रही कि छात्र जो कैंपस है, कैंपस बीएचयू के कैंपस को अगर आप देखेंगे तो बहुत विशाल कैंपस है, बहुत खुला कैंपस है, लेकिन पूरे फोरम के नाम से उसमें एक हफ्ते किसी विषय पे चर्चा होती थी, एक दूसरे हफ्ते कोई फिल्म दिखाई जाती थी, और उसमें बीएचयू के छात्र आने लगे थे। आमतौर पर वहाँ पे एक इस तरह का माहौल है कि आईआईटी वाले छात्र अपने आप को दूसरे छात्रों से थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, और जो बाकी परिसर है वो उसकी संस्कृति पूरी अलग है। आपको मालूम है अभी पिछले हफ्ते वहाँ पे कैंपस पे एक हत्या हुई और 2 छात्र उसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें एक छात्र की कुछ दिन पहले उसने मुझसे संपर्क किया था कि मैं सोशलिस्ट यूजन सभा की इकाई बनाना चाहता हूँ, वो मुख्य आरोपी है। तो बाकी एक अलग माहौल है वहाँ कैंपस का और इसका माहौल अलग है, लेकिन इस फोरम पे बीएचयू के छात्र भी आईआईटी में आने लगे, और इससे मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के जो प्रशासक थे वो थोड़ा घबराए थे, क्योंकि छात्र एक जगह आ रहे थे और एक ऐसा मंच मिल रहा था जिसपे वो तमाम विषयों पे चर्चा कर रहे थे, और मुझे ये लगता है कि इसीलिए वहाँ से मेरी छुट्टी की गई। हाँ, मैं ये प्रेम सिंह जी ने जो कहा कि शायद मैंने इंसिस्ट नहीं किया कि मैं मुझे वापस रखा जाए, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था और वो उन्होंने रिन्यू नहीं किया, और एक जो मुझसे भूल हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड उन्होंने एक महीना कम कर दिया था, जो मुझे जानकारी नहीं थी। वो कोर्ट में जब आखिरी बार हम पहुंचे बहाली की मांग करने के लिए, तो उस दिन को पता लगा वो कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने की जगह 11 महीने करके उन्होंने कोर्ट में वाइस चांसलर ने यह कह दिया कि हमने जजमेंट का पालन कर लिया है, 4 महीने की तनख्वाह इनको दे दी है।
करते हैं नहीं करते, तो उन्होंने नहीं किया और इसलिए मैं वहाँ से बाहर हुआ। आज भी वहाँ कैंपस के बाहर जो लोग ठेला लगाते हैं गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति, वो मेरे संपर्क में है। जब भी वहाँ मोदी साहब जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो BHU के अंदर ही लैंड करते हैं, वहीं पे एक हेलीपैड है, फिर वहाँ से वो शहर में जाते हैं, तो इन सब ठेले वालों को हटा दिया जाता है। इसमें से कई चाय बेचने वाले भी हैं, तो जब उनको हटाया जाता है तो वहाँ से मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ अक्सर वहाँ पे। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो बनारस के सोशलिस्ट पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी एक संबंध बना रहा। बगल में गांव है बनारस को, लोग तीन संतों की वजह से जानते हैं, तुलसीदास, कबीरदास और रविदास। और जो रविदास जी का गांव है वो कैंपस से एकदम सटा हुआ, जब तक वहां मोदी और अरविंद केजरीवाल नहीं गए तब तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि संत रविदास का गांव कहां पे है। उस गांव की बहुत सारी महिलाएं आती थी, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें मेरी नियुक्ति थी वो एकदम उससे सटा हुआ है कैंपस के अंदर, दीवार के एक तरफ केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ संत रविदास जी का गांव। तो बहुत सारी महिलाएं जो नरेगा में मजदूरी नहीं मिलती थी और सब वो आती थी मेरे ऑफिस में बैठती थी, कई बार गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति के लोग आते थे तो उनकी लॉन में मीटिंग होती थी। तो ये सब जो है शायद वहाँ के प्रशासन को बर्दाश्त नहीं था और इसीलिए मेरी वहाँ से छुट्टी हुई। लेकिन जो 28 वर्ष रहे वो मेरे लिए बहुत आनंदपूर्ण थे, मैंने पूरी तरह से उसका आनंद उठाया। और जो संबंध है छात्रों के छात्राओं से वो अभी भी बने हुए हैं। इस पूरी किताब का जो अंग्रेजी का जो है संस्करण वो एक मेरी पूर्व छात्रा ने ही उसको अमेजोन पे अपलोड किया, नहीं तो वो सब कैसे करते हैं वो मुझे तो नहीं मालूम था। तो सबका प्रेम और स्नेह मिला है और आज भी जो हमारे साथी यहाँ आए प्रेम सिंह जी, अपूर्वी नंदनी जी, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। विजय महाजन जी का जिन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई निःशुल्क और हम लोग इस कार्यक्रम को इतनी कम समय में कर पाए। और फैजल भाई जो हमेशा चूंकि दिल्ली में मैं तो रहता नहीं हूँ, तो यहाँ का जो भी जिम्मेदारी है फैजल भाई सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। मैं संदीप पांडे जी को सबसे जानता हूँ जब गांधी विचार संस्थान में काम करते हैं और उस वक्त भी बड़े क्रांतिकारी बात करते थे और इन्होंने एक आवेदन पाई अध्यक्ष को ओपन लेटर देखा कि ये गांधी विचार संस्थान की चाहता हूँ इनका जो शीर्षक है मुझे दूसरे क्यों निकाला गया ये बदलना चाहिए, क्योंकि मुझे हिंदू विश्व विचार से निकाला गया इसलिए मैं उसका आभारी। तो आज की संस्था के बारे में DIP कहना ये है कि जो मैं कहूँ कोई ठीक है, इसी पर कहा करते थे सीताराम केसरी नहीं रहते को जाते थे काम थे प्रचलित थी बात न खाता न बेही सीताराम चाहे कोई सही। तो इस वक्त भी आज मोदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी प्रीता और रघुवीर बैठकर संगोष्ठी किया करते थे, उनको पता नहीं कि उनका कैसा शताब्दियों भर रहा था, कोई चीज कोई पड़ी नहीं उन्होंने। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, फिर वो कहते हैं कि हनुमान जी की जो अंग्रेज जी की सर्जरी हुई वो डॉक्टरों में उसको शोध करें, तो ऐसी बेतों की बातें करते रहते हैं। और वो कहते हैं तुम प्रधानमंत्री हैं इसलिए जो कहता हूँ वही सही है, तो और जो कुलपति हैं वो चले हैं वो जो जो बात करते हैं वो कहते हैं सर ठीक है सर ठीक है। और
अपनी हनुमान जी जाति से छोड़ देते हैं कि वो क्या थे क्या थे। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिकी लोगों का टोला है जो उसको काट जा रहा है और कोई उनके सामने बोलने वाला नहीं है। तो ये अपने कम संदीप पांडे जी के लोग आगे लोग इस तरह के लोग लोग और अच्छे लोग हैं जो कभी तो अपनी बात उठाते हैं और मैं इन सत्रों के साथ संदीप पांडे जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने कुछ आधारभूत समस्याओं की तरफ किताब में इशारा किया है फिर उनसे बढ़कर मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र विचार के बन जाए। नहीं बिल्कुल नहीं हम चाय के लिए चलिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया और मैं हैरत में रहता हूँ कि आजकल हम लोग मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ कि तुम आओ क्योंकि सब लोग मेरे हम आके करें क्या और मैं मैसेज भेजता हूँ उस पर भी आप लोग सब इतने इकट्ठे हो जाए। हमने आज 10-15 लोग कहते हैं 40-50 लोग हो जाए और कल इस किताब का अगला लोकार्पण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होगा। और संदीप भाई किताब मुझे इसलिए क्योंकि मुझे अट्रैक्ट क्यों करता है भाई वो सुबह भी बर्तन भी मांजते हैं जैसे प्रेम सिंह जी ने कहा था कि हम ईमानदारी से अगर काम करें और अपनी जो हम लोग ने ज़ोन्स बना रखी है जैसे अभी हमारा हमारे पास 14 तारीख को 3 जगह का ऑफर था उसमें हम मेरठ यूनिवर्सिटी गए और इस वाइस चांसलर में यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है 200 लड़के मेरठ यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हुए थे हम लोग को सुनने के लिए और सबने जो चाहा बोला। हम लोग भी अपनी जो कंफर्ट जोन बना ली है उसमें हम लोग को आपने एक जगह ये दे दी है इसमें हम इसको नहीं समझते हैं। विजय महाजन जी के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये जगह दे देते हैं बिना पूछे कि कौन स्पीकर होगा क्या होगा कैसे होगा तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम लोग ईमानदारी से काम करें और दूसरा मुझे लगता है कि उन जोन्स में भी जाने की कोशिश करें क्योंकि सब इंसान मैं ये मानता हूँ आज सुबह वो असम में जिसको मारा है उससे सुबह सुबह किसी ने कहा मार दो मैंने कहा मेरा कोई घर जला दे मैं उसका तब भी घर नहीं जलाऊंगा मुझे कोई मारने की कोशिश करे यही हम में और उनमें फर्क है। तो हम इस फर्क के साथ मोहब्बत जैसे हम लोग हर बार कहते हैं कि वो जीतेगी 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 नफरत हारेगी यही एक जज्बा है जिसको लेके हम लोग सब काम करते रहते हैं और उसमें मुझे संदीप भाई से बहुत ताकत इसलिए मिलती है कि ये सुबह 7 बजे उठ के बर्तन भी मांजते हैं ये खाना पकाने में भी तैयार रहते हैं और इस तरह के ऐसे लोगों का साथ हम सबको देना चाहिए और इनकी किताब को खूब पढ़ना चाहिए। मैं सबका आने वालों का बोलने वालों का आप जवाहर भवन का विजय महाजन जी का सबका बहुत बहुत गुजार हूँ हम सब शुक्रिया करते हैं। और जो अगला प्रोग्राम है जिन लोग के पास समय है वो बहुत अहम प्रोग्राम है हम लोग भी उसमें 5:30 बजे में शिरकत ये पर्चा है कल हम लोग मथुरा और बाकी शहरों में इसको लेके जा रहे हैं कि वहां से आप पर्चा ले सकते हैं। किताब भी जो लोग पैसे दे सकते हैं वो पैसे दे के ले अगर कोई पैसे दे के नहीं ले सकते